फ्रेंड्स, जैसा कि 30 मार्च को बीपीएससी ने अपने कैलेंडर में कहा था कि जो बिहार 32nd जुडिशियल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन जो कि लास्ट ईयर नवंबर में हुआ था, उसका मेंस रिजल्ट 31st मई तक रिलीज कर दिया जाएगा। 31st मई टेंटेटिव डेट दिया गया था कैलेंडर में। आज 31st मई है, लेकिन रिजल्ट की कोई सुगबुगाहट नज़र नहीं आ रही है और ओबियसली इसकी जब कोई चर्चा नहीं है तो आज आने के चांसेस भी काफ़ी कम है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं कि आज रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आज नहीं आएगा तो कब तक? सो देखते हैं इस वीडियो में। जैसा कि एग्रीकल्चर वाला जो रिजल्ट था वो भी आयोग ने बोला था 38 अप्रैल, लेकिन उसमें भी डिले हो गया और वो फाइनल रिजल्ट जो आया वो जो रिजल्ट आया वो 17th मई के अराउंड आया था। और उसके बाद आयोग ने एक नोटिफिकेशन उसके लिए भी निकाला था कि 15 मई तक रिजल्ट आ जाएगा 15th में, बट वो भी ख़त्म हो गया। वो भी टाइमलाइन क्रॉस करके 17th मई को रिजल्ट आया था। अब जुडिशरी वाले में क्या है क्या नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये जो डिले हुआ है वो है कि कल जो है 1 जून को इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है पटना में, और कॉपी चेकिंग कहाँ तक हुआ है इसका भी कुछ अपडेट नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये भी एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है इसका भी रिज़ल्ट जो है वो 10-15 डेज डिले हो सकता है। इस वीक तो चांसेस कम लग रहे हैं, जो भी होगा इलेक्शन रिज़ल्ट के बाद ही उम्मीदें दिख रहे हैं। सो होपफुली जो रिज़ल्ट है वो आपका 10 से 15 के बीच 10 से 15 जून तक आ जानी चाहिए अब अगर बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो तो, अगर कॉपी चेकिंग हो चुका हो तो, टेबुलेशन का काम सिर्फ बाकी हो तो, लेकिन क्या है क्या नहीं है, बट एक्सपेक्ट करते हैं कि यही जो डेट है 10 से 15 जून तक इसके बीच आ जानी चाहिए। सिमिलरली अभी तो 69th मेंस के रिजल्ट में काफ़ी देरी है, लेकिन उस तक कवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जैसे 31 जुलाई दिया गया है तो अभी तो लगभग 2 महीने पूरे हैं, लेकिन कितना काम बाकी है उसमें ये भी देखने की बात है। तो होपफुली ये 69th मेंस का जो है वो एक्सपेक्टेड जो डेट है उस तक आएगा और ये सब ऑन टाइम ही रहने के चांसेस हैं इसके। इसमें कोई डिले की कोई उम्मीद अभी तो फ़िलहाल नहीं दिख रही है और होपफुली ये होगा भी। जो डिले था वो इसी में होगा और इसका जो इंटरव्यू का डेट है उसमें भी थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा डिले होने के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि अगला जुडिशियल की वैकेंसी भी आने वाली है। अपडेट तो यही है कि अगला वैकेंसी भी जल्द ही आएगा, 33rd वाला, क्योंकि तो अगले साल इलेक्शन है और तब तक हर वैकेंसी कम से कम दिखनी चाहिए। रही बात 70वीं बीपीएससी की, तो इसका नोटिफिकेशन जो है जुलाई 1st वीक तक आने के चांसेस हैं। 1st वीक तक, 1st वीक या फिर जुलाई में ही आने, 1st और 2nd वीक में आने हैं। टीआरई का भी है, उसी टाइम पे आएगा। टीआरई का जुलाई लास्ट वीक में आने के चांसेस है, लेकिन टीआरई का जो है वो जुलाई फर्स्ट वीक। तो आप जो अभी तक प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी हिसाब से करिए, ताकि ये ज़्यादातर एग्ज़ाम जो है ना ऑन टाइम ही हो जाएंगे। एग्ज़ाम तो टाइम पे हो जाएंगे, रिजल्ट का थोड़ा सा डिले आगे पीछे चल सकता है, 15 डेज 20 डेज इतना डिले चलेगा। होपफुली जल्द से जल्द रिजल्ट आएगा और आप सबके लिए खुशखबरी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट।